धौलागिरि उद्यान चिड़ियाघर गोपालपुर में हिमल और अकीरा नामक एशियाई शेरों के जोड़े को आम जनता के समक्ष प्रदर्शन के लिए बाड़े में छोड़ा। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने इस अवसर पर डॉक्टर संजय कुमार धीमान की पुस्तक कैट्स ऑफ हिमालय का विमोचन किया। डॉक्टर संजय अब तक 11 पुस्तकें लिख चुके हैं तथा वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उड़न दस्ता के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। धौलाधार प्राकृतिक चिड़ियाघर गोपालपुर में हिमल और अकीरा नामक एशियाई शेरों के जोड़े को आम जनता के समक्ष प्रदर्शन के लिए बाड़े में छोड़ा गया है। हिमल और अकारा नामक एशियाई शेरों के जोड़े को आम जनता के समक्ष प्रदर्शन के लिए बाड़े में छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, मगर किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने देहरा के विधायक होशियार सिंह के साथ शेर व चिनकारा के जोड़े को पिंजरे से निकालकर बाड़े में प्रवेश करवाया। वन मंत्री ने इस अवसर पर डॉक्टर संजय कुमार धीमान की पुस्तक कैट्स ऑफ हिमालय का भी विमोचन किया। डॉक्टर संजय अब तक 11 पुस्तकें लिख चुके हैं तथा वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उड़न दस्ते के पद पर तैनात हैं। इस पुस्तक में दुर्लभ बर्फानी तेंदुआ, सामान्य तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, जंगली बिल्ली, लिंक्स रस्टी बिल्ली व घरेलू बिल्लियों के व्यवहार व रहने के ठिकानों व विलुप्ति के कारण की जानकारी दी गई है। वन मंत्री ने लेखक के प्रयासों की खूब सराहना की तथा सभी स्टेट होल्डर से अपील भी की है कि वे इन दुर्लभ बिल्लियों को बचाने के लिए हिमाचल सरकार के प्रयासों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए तथा हमारी आने वाली पीढ़ियां इन दुर्लभ बिल्लियों की झलकियों के लिए भी तरस जाए। मेरा नाम डॉक्टर संजय धीमान हूँ, मैं हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मेंबर हूँ और ये जो आज पुस्तक है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, इसका नाम है कैट्स ऑफ हिमालयस। इसमें हिमाचल प्रदेश और दूसरे हिमालयन के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ हैं, जैसे स्नो लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड है और उसके बाद लिंक्स है, जंगल कैट है, इत्यादि के बारे में जो है विस्तृत जानकारी दी गई है। उनके रहन के स्थान, उनके खान पान और उनका जो हैबिटेट है उसके बारे में बताया गया है और इसका उद्घाटन जो है, विमोचन जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ये बताया गया है कि जो यहाँ की सरकार है, हिमालयन क्षेत्र की जो सरकार है जिसमें हिमाचल प्रदेश प्रमुख है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है कंजर्वेशन के लिए और अगर भविष्य में जो हमारी आने वाली नस्लें हैं अगर उन्होंने इन जानवरों की कोई झलक देखनी है तो आज से ही हमें सभी लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे और जो भी बचा है वाइल्ड लाइफ में, खासकर बिल्लियों के स्पेसिस के बारे में, उसको हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।